अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रोएस स्पीक्स। स्टालियंस की इवेंट से छुट्टी, अहमद दानियाल की शानदार कारकर्दगी। स्टालियंस के बल्लेबाजों ने दिफा में रन तो बनाए जरूर, लेकिन कोई बड़ी इनिंग्स नहीं आ सकी। डेट्स वाई स्टालियंस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करने में नाकाम रहे। शोएब मलिक ने बहुत सारे तहफुजात का इजहार किया और वाकई तहफुजात थोड़े स्टेडियम में भी नजर आए कि जिस तरह मैदान बिल्कुल खाली हो गया। बिकॉज इसकी वजह यह थी कि वेरी लास्ट मोमेंट पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो टेस्ट क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं उनको पुल ऑफ कर दिया गया टूर्नामेंट से। डेट्स वाई जो मेन स्टार स्टडीड डायलेमा था टूर्नामेंट का वो वाइप आउट हो गया और क्राउड का इंटरेस्ट भी टोटली डैमेज हुआ। कितना ये डैमेजिंग था इस पर हम थोड़ी ज्यादा डेप्थ में बात करते हैं इंशाल्लाह आज करेंगे इस सब पर बात। यस यार, चैंपियंस कप का एक और नॉकआउट मैच कल खेला गया जहां पे आमने सामने थी लायंस और स्टालियंस की टीमें और लायंस की टीम आगे क्वालिफाई करने में कामयाब होगी। मैं मैच में थोड़ी डिटेल में बात करूंगा बाद में, बट फर्स्टली माय पॉइंट इज दैट के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेरी लास्ट नाइट मैच से 11:30 के करीब एक अपडेट जारी की कि जो टेस्ट क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं वो जो चैंपियंस कप में इन्वॉल्व हैं, जो 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया उन तमाम को अब डिफरेंट स्क्वाड से पुल आउट कर लिया गया। यानी जेसन गैलेस्पी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट क्रिकेट टीम के कोच हैं उनकी रिक्वेस्ट पर के प्लेयर्स को इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी सीरीज है, 3 मैचेस की सीरीज है, तो उससे पहले रेस्ट चाहिए। डेट्स वाई आप इनके लिए ये स्पेस फ्री कर दें, इनको इस टूर्नामेंट से फ्री कर दें। देखें ठीक है, उन्होंने टूर्नामेंट से फ्री कर दिया, बट देखें इस टूर्नामेंट को चैंपियंस कप जिसको आप अपना मेनली ब्रांड कह रहे हैं कि ये वो एक टोन सेट करेगा जो पाकिस्तान की फ्यूचर क्रिकेट को होगी कि एक प्लेयर के पीछे 4 प्लेयर खड़े होंगे। और इस टूर्नामेंट में देखें क्राउड की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नजर आ रही थी और क्राउड की इन्वॉल्वमेंट फिर कल के मैच में देखें, क्योंकि कल बाबर आजम का मैच था, बाबर आजम थे एक तरह शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आरिस, इमाम उलग, यानी बड़े बड़े स्टार प्लेयर इन मैचेस इन कल के मैच में मौजूद थे। लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अपडेट आई, बड़े बड़े प्लेयर्स निकल गए और फिर देखे शोएब मलिक जो स्टालियंस के मेंटोर हैं कल जब उनसे मैच के दौरान बात की गई तो उन्होंने भी इस पे तहफुजात का इजहार किया कि आया 1-2 मैचेस अब मर मर के रह गए थे, यानी कल का मैच छोड़ के आगे 2 मैचेस रह गए थे, तो क्या ही क्यामत आ जानी थी अगर प्लेयर्स ये 2 मैचेस खेल रहे थे, बिकॉज एक टूर्नामेंट का चार्म बना हुआ था। लेकिन जैसा भी एक टूर्नामेंट रहा है क्राउड वाइज बहुत अच्छा रहा है, बाकी आप ये DRSL लेटर पटर इन पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट नो डाउट क्राउड वाइज इट्स द बेस्ट टूर्नामेंट। के काफी अरसे बाद फैसलाबाद में क्रिकेट हो रही थी, फैसलाबादी ने कब बाबर आजम को आखिरी बार देखा था या शाहीन अफरीदी को देखा था, बट देखें जूही वो तमाम मेन प्लेयर्स निकले, एक तो टूर्नामेंट की जान वो बहुत ज्यादा मुतासर हुई, वहीं टीम के कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा मुतासर हुए। एक बिल्कुल यंग साइडेड टीम है फिर दोबारा नजर आना शुरू हो गई। आप कल इमाम उलग देख लें, वो लायंस की क्यादत कह रहे थे, अब्दुल्ला शफीक वहां से चले गए, नसीम शाह अब इसी तरह मार्कोर में नहीं होंगे, रिजवान नहीं होंगे, आप डॉल्फिन्स तो है बाहर हो चुका है लेकिन वहां से भी सऊद चुकी, नुमान अली वगैरह जा चुके हैं, तो यानी एक बड़ा ये मेजर डेंट था मेरी नजर में। ये PCB का इंतहाई भोंगा डिसीजन था, ये बिल्कुल मिसकैलकुलेटेड डिसीजन था, बिल्कुल गलत टाइम पे ये डिसीजन किया गया, इस टाइम इस डिसीजन की टाइमिंग इंतहाई डिस्टर्बिंग थी। बट अगर हम कल के मैच में देखें जहां एक तरफ लायंस की टीम थी दूसरी तरफ स्टालियंस की टीम थी, जिस टीम ने जीतना है उसने अब मार्कोर को खेलना है और लायंस ये जीत गई और वो मार्कोर से खेलेगा। अगर हम स्टार्टिंग से इस मैच में देखें एज अर्ली जैसा मैंने मेंशन किया कि इमाम उल्लाह के इस मैच में कप्तानी कर रहे थे उनकी, लेकिन स्टार्टिंग से अगर बैटिंग उनकी देखना शुरू करें तो कल उबैद शो चला स्टालियंस की तरफ से। जब उबैद शाह बैटिंग बॉलिंग कराने आए तो उन्होंने पहले 10 ओवर में ही आप मेन 3 बैटर्स को उड़ा के रख दिया, वो रोहिल नज़ीर हो, वो उमर बिन यूसुफ हो, वो तो बैक टू बैक बॉलों पे आई थिंक आउट हुए, बैक टू बैक भी नहीं बट एक ही ओवर में आउट हुए थे और सिमिलर फैशन में आउट हुए, बाहर की बॉल को जाके छेड़ा उन्होंने और वो इनर एज लगा और विकेट आउट हो गए। देन इमाम उलग वो कॉटन बॉल हुए, 10 ओवर में जब आपके मेन 3 प्लेयर्स आउट हो जाएं तो देन प्रॉब्लम्स तो आपके लिए हैं। लेकिन फिर शारून और ताहा ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई 77 रन्स की। यार ताहा लिटिल बिट मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर रहा है, लास्ट 1-2 इनिंग्स भी उसने बड़ी अच्छी खेली थी लेकिन कल की इनिंग्स में भी कुछ स्ट्रोक उसने बड़े ब्रिलियंट खेले। लेटर हाफ ऑफ द इनिंग आप चले जाएंगे ना तो आमिर यामीन की इनिंग्स अच्छी रही, अहमद दानियाल तो बेस्ट इनिंग्स थी ना, डेट्स वाई उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। अहमद दानियाल लाहौर कलंदर्स के लिए भी खेलते हैं और कल के मैच में जिस पोजीशन पे वो आए जिस तरह उनकी टीम टर्मोइल में थी, 7-8 विकेट्स गिर चुकी थी, वहां पे टेल एंडर्स के साथ जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, इनिंग्स को बिल्ड ऑन किया, वो वाकई इंप्रेसिव था, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अगर वो उस मोमेंट पे आमिर यामीन के साथ पार्टनरशिप ना लगाते और इनिंग्स को लेटर ऑन इन्हांस ना करते तो शायद उनकी टीम इतना टारगेट बनाने में कामयाब ना होती। 260+ का टारगेट था जो बड़ा रीजनेबल टारगेट उन्होंने खड़ा कर दिया। उबैद ने 3 विकेट ली, हारिस ने अच्छी बॉलिंग की, जमान कोई विकेट लेने में है कामयाब नहीं हुए थे,
बट अगर जब स्टैलियंस की बैटिंग आई तो स्टैलियंस की बैटिंग देखें ओवरऑल में पहले एक बात कह लेते हो, स्टैलियंस के बैटर्स ज्यादा बुरा नहीं खेले लेकिन कोई बड़ी इनिंग्स नहीं आई, 30, 35, 32, 28 इस तरह की लाइन में उनके फ्लक्चुएशन रही। आप उनके ओपनर्स देख लें, जिस तरह माज ने बैटिंग की एंड देन यासर खान साथ गए रहे थे, एक अच्छा रीजनेबल ओपनिंग स्टार्ट था बट व्हेन माज आउट हुए देन उसके बाद तैयब भी बैक टू बैक आउट हो गए। लेकिन उसके बाद अगर हम मिडिल ऑर्डर में देखें, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही कोलैप्स नहीं हो गया, मिडिल ऑर्डर में हर किसी ने 28, 30, 32, 35 इस रो में जाके रन बनाए जरूर, बट जब आप 260 प्लस का टारगेट चेस कर रहे हैं और एक ऐसे ग्राउंड में चेस कर रहे हैं जहां पे चेसिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नजर आई है, देन यू हैव टू प्ले एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स। किसी एक प्लेयर की तरफ से ना एक अच्छा नॉक आना चाहिए था, एक बड़ा नॉक आना चाहिए था, एक इनिंग्स को बिल्ड करने वाला नॉक आना चाहिए था। सारे विकेट पे सेट हुए, लेटर ऑन अपने विकेट शो करके चले गए और ये चीज स्टैलियंस के लिए बहुत ज्यादा हर्टिंग रही। इवन आप लास्ट चले जाएं, हारिस जब खेल रहे थे और जानदाद खान, दोनों ने ट्राई अच्छी की, जानदाद खान तो लास्ट ओवर तक लेके गए बट वो मिसकैलकुलेटेड, उनसे एक शॉट हो गया और वो उस दौरान रन आउट हो गए एंड देन स्टैलियंस के लिए टूर्नामेंट खत्म हो गया। अब लाइंस देखें, नेक्स्ट मैच खेलेंगे अब कल फ्राइडे वाले दिन मार्कोर्स के साथ और उसके मैच में से जो टीम जीतेगी वो जाएगी फाइनल में जो खेलेंगे पैंथर्स के साथ। तो इंटरेस्टिंग सिनेरियोस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुके हैं बट माय पॉइंट इज दैट कि यार ये जो पीसीबी ने खच मारी है ना लास्ट मोमेंट पे, ये नहीं करनी चाहिए थी, अच्छा नहीं किया इस हवाले से पीसीबी ने। तो खैर चले अब कर दिया तो क्या कह सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पंदाबाद।